उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास हिंदवी स्वराज स्थापना के 350वें वर्ष पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित विश्व के सबसे बड़े मनाटे जानता राजा का मंचन कराने जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम ने बताया कि इस महानाटक का आयोजन लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र के जनेश्वर मिश्र पार्क में 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और कार्यक्रम का समापन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसका उद्देश्य वर्तमान युवा पीढ़ी को एक ऐसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के बारे में बताना और समझाना है, ताकि युवा पीढ़ी अपने जीवन भविष्य की दिशा दशा तय कर सके। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति और इतिहास ऐसे अनेकों वीरों की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन समाज एक बड़े वर्ग की युवा पीढ़ी को इसकी जानकारी है ही नहीं। उन्हीं वीरों में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके महानाट्य का मंचन कर युवा पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति से अवगत कराना है। साथ ही कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग और आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित कराना है। वहीं उन्होंने बताया कि इस महानाट्य को लगभग 225,000 लोगों को दिखाने का लक्ष्य है, जिसके लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने अब तक लखनऊ और आसपास के 40 से अधिक जिलों में संगोष्ठी और बैठक की है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पिछले 8 महीने की तैयारी का स्वरूप कल सबके सामने आने वाला है। ये विश्व का सबसे विशालतम महानाट्य, जिसमें 350 से ज़्यादा कलाकार, हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, पालकी है, सेना है, तोप है, रिवॉल्विंग इसका 4 मंजिला फोर्ट सामने है, आदिल साहिब भी दिखाई देगा, मुगल साहिब हिंदू आर्किटेक्चर भी है, तुलजा भवानी की 20 फुट की मूर्ति इसमें है, जीवंत नाट्य है। देश की पीढ़ी छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित 350 साल पूर्व जो हिंदवी स्वराज है उसको जाने माने देखे, जीवंत उसका चित्रण देखे, इसी यही निवेदन किया है। प्रदेश के 50 जिलों में हम लोग गए, सेमिनार किए, व्याख्यान किए, चौपाल किए, संवाद किया है, उसके द्वारा सबको हमने आह्वान किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इसके उद्घाटन में रहेंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी समापन में रहने वाले हैं, बीच बीच में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, अन्य देश भर के लोग आने वाले, हरिद्वार के विशिष्ट संत स्वामी कैलाशानंद, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी रामदेव, सब लोग रहने वाले। तो हम देश और प्रदेश की जनता से निवेदन करते हैं आपके चैनल्स के माध्यम से कि इस नाट को देखें और भारत का जो इतिहास है, इतिहास से जुड़े, समझें, जाने। सर, हिंदवी साम्राज्य के साथ साथ रामराज्य की भी बात की गई है। वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासन तंत्र देखें तो वास्तव में राम राज्य का आदर्शतम उदाहरण था। सब प्रकार से गरीब के लिए, अन्य मतपंथ संप्रदाय के लिए भी सबका सम्मान, सबका स्वागत, सबकी चिंता और दुश्मन को सब मुंह तोड़ सब प्रकार से जवाब देना। देश कैसे हमारा आज़ाद हो, देश में सनातन धर्म, मंदिर, मठ, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर कैसे समृद्ध हो, सुरक्षित हो, इसी दिशा में शासन का व्यवस्था थी। सर, कितने बजे ये शो शुरू होगा, कितने दर्शक एक साथ बैठेंगे और प्रवेश की क्या विधि है? यहाँ पर नियमित रूप से 4:30 बजे से ये नाट्य रहेगा, लगभग 8:30-9 बजे तक जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ है ये नाट्य, 6 दिन चलेगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए, ये नाट्य जो नाट्य कल है वही 6 दिन चलेगा, बार बार उसी को रिपीट करना, कोई ऐसा सीरीज जैसी नहीं है, एक ये और प्रदेश भर के लगभग जो 225,000 लोग देखें ये व्यवस्था है। और एक सबके लिए प्रवेश पत्र जारी किया है, गेट पर भी है, गांव गांव घर घर हर जिले में जाकर हम लोग दिया है, प्रवेश पत्र दिखा करके आ सकते हैं, नहीं भी होगा प्रवेश पत्र गेट पर तुरंत उनको उपलब्ध हो जाएगा। टिकट वगैरह मतलब कोई है क्या? अब मैं हम टिकट शब्द जैसा आपने यहाँ नहीं है, बस दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हैं, जो मैंने कहा कि सेवा साधना के 27 साल में जो हमारे सेवा कार्य चलते हैं उसके पर दायित्व बोध व्यक्ति सोचे करे और यहाँ पर आए। एक साथ कितने लोग देखेंगे? अब लगभग सीटिंग कैपेसिटी 11,000 अभी सीट है, लेकिन हमने दोनों तरफ स्पेस को खाली रखा है, सीटिंग 20,000 तक बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फिलहाल इसी तरीके की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ सारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।